डियर फ्रेंड्स, दिस इज निशांत रस्तोगी एंड यू आर वॉचिंग CNRI। डियर स्टूडेंट्स, काफ़ी दिनों से आप लोगों की डिमांड आ रही थी कि सर आपसे ऑनलाइन क्लास पढ़ना चाहते हैं, किस तरह से आपसे जुड़ सकते हैं ये बताइए, और मेरे ये डाउट हैं, मेरे वो डाउट हैं। सबसे ज़्यादा जो डिमांड आ रही है वो केंद्रीय विद्यालय PGT से आ रही है केमिस्ट्री की, जिसमें कि काफ़ी सारे कैंडिडेट जो हैं वो अभी भी जुड़ना चाहते हैं और वो कहते हैं कि सर ये डाउट्स वगैरह मेरे क्लियर नहीं हो पा रहे हैं और आपसे हम पढ़ना चाहते हैं, आप मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो तैयार करा दीजिए, भले आप एक थोड़ा सा क्रैश कोर्स दे दीजिए थोड़े टाइम का, ठीक है, लेकिन आप पढ़ा दीजिए। कुछ यूपी PGT से डिमांड आ रही है कि भाई कि कुछ कैंडिडेट्स जो हैं वो भी डिमांड कर रहे हैं कि भाई सर हमारा टाइम जो है थोड़ा जितना भी बचा हुआ है इसको बढ़िया से हम चाहते हैं कि आप तैयारी कर लें और आपसे हम जुड़ना चाहते हैं, किस तरह से जुड़ सकते हैं इसका तरीका बताइए, अपना कोई कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए, अपना कोई व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए। क्लास 11th के हैं, क्लास 12th के स्टूडेंट, क्लास 12th के स्टूडेंट को कुछ टॉपिक में दिक्कत आ रही है, उनके कुछ टॉपिक क्लियर नहीं है, वो टॉपिक अपना पढ़ना चाहते हैं, वो ये कह रहे कि सर मेरा ये टॉपिक है, या कुछ का कोई चैप्टर ही छूटा हुआ है तो वो कहते हैं सर मेरा ये चैप्टर तैयार करा दीजिए और ऑनलाइन सर आप बता दिए कि किस समय अवेलेबल हैं तो हम लोग इससे जुड़ना चाहते हैं। इसके अलावा ITJEE है, नीट है, नीट में कुछ क्वेश्चन, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी प्रैक्टिस जो है वो बता रहे कि न्यूमेरिकल में उनको प्रॉब्लम आती है और इस तरह के काफ़ी सारे मैसेजेस आए हुए हैं। बहुत दिन से मैं इन मैसेजेस को देख रहा हूं और मुझे भी लगा कि भाई आप लोग इतना ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, इतना ज़्यादा आपका प्यार है तो मुझे भी आपसे ऑनलाइन जुड़ना चाहिए, तो इसके लिए मैंने नीचे एक व्हाट्सएप नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं क्लास लेने के लिए, ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करने के लिए, तो मैं आपको एक नंबर ये प्रोवाइड कर रहा हूँ व्हाट्सएप नंबर, आप इस पर जो है बात कर सकते हैं और इसमें आपको पूरी डिटेल बता दी जाएगी कि कैसे आप जो है वो ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं और कैसे आप जुड़ सकते हैं। देखिए, ये चैनल जो शुरू हुआ था वो इसीलिए शुरू हुआ था कि जितने ज़्यादा से मैक्सिमम स्टूडेंट के पास जो है वो अप्रोच आए, और दूसरा कि मैक्सिमम स्टूडेंट इससे लाभ उनको मिले, उनका जो मिसकॉन्सेप्ट रहता है कि सर ये बोल देंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये बोल देंगे तो ऐसा हो जाए, वो केमिस्ट्री में मिसकॉन्सेप्ट उनका ख़त्म हो और एक जो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होती है जिसकी वजह से कोई चीज़ हो रही है वो उनको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मिले, और मैंने इसी वजह से बहुत सारे वीडियो जो है वो अपलोड किए हैं। बट उसके बाद भी आप लोगों के काफ़ी सारे डाउट रहते होंगे और डेफिनेटली रहने भी चाहिए, क्योंकि जो पढ़ता है डाउट उसी के ही आते हैं और उसी की ही डिमांड भी रहती है कि हाँ मुझे अच्छा करना है। यूपी बोर्ड के जो स्टूडेंट हैं या हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं उनकी भी डिमांड आ रही है कि सर हमको ये तैयार करा दीजिए, हमको ये तैयार करा दीजिए, तो CBSE बोर्ड, यूपी बोर्ड, ISC बोर्ड, ये सबसे जो है वो कुछ ना कुछ स्टूडेंट जो हैं वो लिखते रहते हैं कि सर मैं फला जगह से हूँ, मैं सर झारखंड से हूँ, मैं सर छत्तीसगढ़ से हूँ, मैं जो हूँ इधर पे इटावा साइड का हूँ, तो इस तरह से जो है मैसेजेस आते रहते हैं और मैं आपसे कैसे जुड़ सकता हूँ, मुझे आपसे ऑनलाइन क्लासेस पढ़नी है, कुछ तो टॉपिक भी लिख देते हैं कि सर मेरा ये टॉपिक वीक है, मुझे सर ये पढ़ा दीजिए, ये करा दीजिए, ये बता दीजिए, इस तरह से। देखिए, आपके ग्रोथ में जो मेरा पार्टिसिपेशन हो सकता है वो मैं पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि आपका मेरी वजह से सिलेक्शन हो जाए, हालांकि ये मान के चलिए कि मेरा रोल जो होगा बहुत ही मिनिमम रहेगा, आपकी ही मेहनत जो होगी आपको आगे बढ़ाएगी, बट फिर भी मेरा गाइडेंस जो है वो आपको फ़ायदा अगर देता है, आपको लगता है कि ये आपको ये फ़ायदा देगा और आप वास्तव में मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो जो व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको दिया है आप इस पर मैसेज करिएगा, मैं पूरी की पूरी डिटेल दूंगा आपको और मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपसे जुड़ सकूँ। तो बस इसीलिए ये वीडियो मैंने अभी बनाया हुआ है, इस वीडियो में बस इतना ही। ओके, थैंक यू। डियर फ्रेंड्स, अब इस डाउट को देखते हैं, इसमें लिखा है कि सर इंटरव्यू कब से स्टार्ट होगा और कहां होगा, ये कैसे पता चलेगा, क्या कट ऑफ निकलने के बाद इंटरव्यू के लिए फिर से KVS की वेबसाइट पर अप्लाई करना पड़ता है। देखिए, KVS की वेबसाइट पर आपको अप्लाई नहीं करना पड़ता है, आपके घर पर जो होता है वो एक लेटर आएगा, ठीक है ना, और उस लेटर पर लिखा होगा कि भैया आपका इस डेट में, आपका इस डेट में इस जगह पर जो है वो इंटरव्यू है, मान लीजिए आपका मुंबई में है या आपका भुवनेश्वर में है, ठीक है ना, या फिर आपका भोपाल में है,
ठीक है, तो इस तरह से आ लिखा होगा और केबी का नाम लिखा होगा कि भाई आपको इस डेट में इस टाइम पर केबी में पहुंच जाना है और यहाँ पर आपका इंटरव्यू जो होगा वो स्टार्ट होगा। तो बाकायदा जो होता है वो आपके घर में लेटर आएगा और थोड़ा आपको टाइम भी मिलेगा उसके लिए कि आप आसानी से टिकट वगैरह करा लें। नहीं भी करा पाते तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से पहुँचेगा। एट रैंडम जो है वो सोच करके, यार मेरे को एट रैंडम जर्नी करनी है, तो एट रैंडम जर्नी की सोच के जो है आप वहाँ पर पहुँचेगा। ठीक है, वेबसाइट पर जो होता है वो दोबारा इसके लिए अप्लाई नहीं करना पड़ता है, ठीक है ना। तो आप ये देख लीजिएगा। हालांकि इस साल जो है वो चूँकि ऑनलाइन जो हो गई वो हुआ है, एग्ज़ाम हुआ है, तो ये भी हो सकता है कि आप अपने रोल नंबर से लॉगिन करें और रोल नंबर से लॉगिन करने के बाद आप जो है उसको डाउनलोड करें, ये भी प्रोसेस हो सकता है ये भी। लेकिन पहले जो था वो तो घर पर जो है वो इंटरव्यू लेटर आता था और उसमें बाकायदा लिखा होता था कि आपका इस डेट में और यहाँ पर जो है। लेकिन इस बार ये हो सकता है कि साइट पर आपको अपने रोल नंबर से लॉगिन करने के बाद ही इंटरव्यू लेटर वहाँ से मिल जाए, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, तो एक बार चेक करते रहिए, उसमें आएगा, बताया जाएगा, ऑप्शन आएगा, कोई ना कोई गाइडलाइन जो होगी वो KVS जारी करेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।